हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 24 मई 2023। लेट्स बिगिन टुडेज नर्सिंग एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट टेकिंग डाइसल्फिराम। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ईटिंग। किसी पेशेंट ने अपनी एल्कोहल की आदत को छोड़ने के लिए डाइसल्फिराम मेडिसिन ले रहा है। अब इस पेशेंट को एज अ नर्स आप कौन से फूड सब्सटेंस नहीं खाने की सलाह देंगे? पीनट्स, डेट्स, रेजेंस, फिक्स चॉकलेट, एग प्लेट, पिकल सैलेड विथ विनिग्रेटी ड्रेसिंग, बीफ, मिल्क, कॉटेज चीज, आइसक्रीम। एंटाब्यूज ड्रग डाइसल्फिराम ली जा रही है एल्कोहल की आदत छोड़ने के लिए, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फूड सब्सटेंस भी क्लाइंट को डाइसल्फिराम मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस जिसमें विनेगर या एल्कोहल मौजूद हो उसे नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं। पिकल, विनेग्रेटी ड्रेसिंग आदि के अंदर विनेगर और एल्कोहल का इस्तेमाल होता है, तो इसे हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईज नीड टू बी कवर्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी सेशन बिकॉज फोटोथेरेपी प्रोसीजर के दौरान बच्चों की आईज को क्यों कवर करके रखा जाता है? ऑप्शंस आर टू मेक श्योर दैट न्यूबॉर्न हैज क्लोज द आईज वेल, बच्चा अपनी आंखों को अच्छी तरह से बंद कर रख सके इसलिए। ऑप्शन बी रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट, बच्चे को ब्राइट लाइट से ओवर स्टिमुलेशन ना हो जाए इसलिए। ऑप्शन सी प्रिवेंट इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटाइना, रेटाइना और कंजक्टिवा वाले एरिया में इंजरी ना हो इससे बचाने के लिए। ऑप्शन डी लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट एंड एंजाइटी, बच्चे में रैपिड आई मूवमेंट को रोकने और बच्चे में एंजाइटी को कम करने के लिए आईज को कवर किया जाता है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। चूज योर आंसर वाइजली, इंपॉर्टेंट। यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी यहां पर सही माना जाएगा। फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे की आईज को हम इसलिए कवर करते हैं क्योंकि फोटोथेरेपी के दौरान जो लाइट सोर्स होता है उससे जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रेज हैं वो बच्चे की आंखों में जाकर उसके कंजक्टिवा और रेटिना को डैमेज ना कर दे, इस चीज़ से बचाने के लिए हम आईज को कवर करके रखते हैं। फोटोथेरेपी प्रोसीजर के दौरान बच्चे के रेटिना और कंजक्टिवा वाले पार्ट में इंजरी ना हो जाए इस चीज़ से उसे बचाने के लिए हम आईज को कवर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट द newborn फ्रॉम हाइपोथर्मिया, द newborn इज प्लेस्ड इन। किसी newborn बेबी में हाइपोथर्मिया कंडीशन डेवलप ना हो जाए इस चीज से उसे बचाने के लिए हम उस बच्चे को कहाँ पर रखते हैं? फोटोथेरेपी यूनिट में, रेडिएंट वार्मर में, ओपन एयर में या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों में हाइपोथर्मिया का मतलब है बॉडी टेम्परेचर का 36.5 से कम हो जाना। 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी टेम्परेचर यदि कम होता है तो हम इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं और बच्चों में ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, साइलेंट किलर कंडीशन है। और बच्चों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम हमेशा बच्चे को रेडिएंट वार्मर के नीचे रखते हैं। रेडिएंट वार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बच्चों के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखता है, बच्चों के शरीर को गर्म बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर इज, हमारे शरीर में कितना आयरन स्टोर्ड है इस चीज का यदि पता लगाना हो तो इसके लिए सबसे सेंसिटिव मार्कर कौन सा माना जाएगा? सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, सीरम ट्रांसफेरिन। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सीरम फेरेटिन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियोनेट्स आर प्रॉन टू, नियोनेट्स में इनमें से कौन सी कंडीशन डेवलप होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जन्म के बाद बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन के डेवलप होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंटेनल इज इन चाइल्ड इज फर्स्ट टू क्लोज, बच्चों के स्कल में पाए जाने वाला कौन सा फंटेनल सबसे पहले क्लोज होता है, ऑसिफाइड होता है? मैस्टॉइड, स्पेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बच्चों में जो ऑक्सीपिटल फंटेनल पाया जाता है वो सबसे पहले ऑसिफाइड या क्लोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टल ट्यूब इज यूज्ड टू रिमूव गैस एंड फीकल मैटर फ्रॉम लोअर इंटेस्टाइन, किसी क्लाइंट के लोअर इंटेस्टाइन एरिया में मौजूद फीकल मैटर और गैस को निकालने के लिए रेक्टल ट्यूब लगाई जा सकती है। नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज 4.5 to 8, यूरिन की नॉर्मल पीएच 4.5 से 8 के बीच होती है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। फ्यूमिगेशन इज ऑल्सो नोन एज गैस स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन को हम गैस स्टरलाइजेशन के रूप में जानते हैं। एलोपेशिया शब्द का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द साइंस ऑफ शॉक, इनमें से शॉक कंडीशन होने पर कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस, कोल्ड क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियसनेस एंड रैपिड पल्स रेट, रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, लेथार्जी एंड स्लो पल्स रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अगर किसी क्लाइंट को शॉक जैसी कंडीशन होती है तो उसकी जो स्किन है वो हमेशा आपको ठंडी दिखाई देगी, कोल्ड फील होगी। क्लाइंट में अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, क्लाइंट के अंदर पल्स रेट रैपिड हो सकता है। तो स्किन का कोल्ड होना, अनकॉन्शियसनेस होना और रैपिड पल्स रेट का होना, तीनों ही फाइंडिंग शॉक के होने को बताती हैं। टोटल 5 प्रकार से हम शॉक को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कार्डियोजेनिक शॉक, ये हार्ट में किसी प्रॉब्लम के कारण देखने को मिलता है, हार्ट की परफॉर्मेंस या फंक्शन के कम हो जाने के कारण देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप का शॉक आता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसके अंदर हमारे शरीर में ब्लड या फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए किसी को डायरिया वॉमिटिंग सीवियरली हो रही है तो हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट के कारण बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो वहां पर यह हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कंडीशन हो सकती है। थर्ड टाइप का शॉक आता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, इसे आप एलर्जिक रिएक्शन वाला शॉक कह सकते हैं और ये एक बहुत ही डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। इसमें जिस चीज से पर्सन को एलर्जी है उस चीज के कॉन्टेक्ट में आने पर बॉडी में सीवियर रिएक्शन शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी तुरंत डेथ भी हो सकती है।
एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जब भी होगी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एड्रिनलिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ टाइप का जो शॉक आता है, इसे हम सेप्टिक शॉक के नाम से जानते हैं। सेप्टिक शॉक ब्लड में इंफेक्शन होने के बाद देखने को मिलता है। लास्ट आता है फिफ्थ नंबर पर न्यूरोजेनिक शॉक। ये नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के कारण होता है। नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के कारण जो शॉक होता है उसे हम न्यूरोजेनिक शॉक का नाम देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। व्हेन पोजीशन प्रॉपरली द टिप ऑफ अ सेंट्रल वीनस कैथेटर शुड लाई इन द, अगर आपने किसी क्लाइंट में सेंट्रल लाइन लगाई है, सेंट्रल वीनस कैथेटर लगाया है, तो इस सेंट्रल वीनस कैथेटर का टिप पेशेंट की बॉडी में किस जगह पर होना चाहिए जब आप कहेंगे कि ये प्रॉपरली लग चुका है? सुपीरियर वेना कावा में, बेसिलिक वेन में, जुगलर वेन में या फिर सबक्लेवियर वेन में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन द सुपीरियर वेना कावा। आइए इसे डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं। ये आपका हर्ट की रफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चार चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले एट्रियाज हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। हमारे हर्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लेकर ड्रेन करती है। अब हम सेंट्रल वीनस जो कैथेटर है उसे कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि इस कैथेटर का जो टिप है वो राइट एट्रियम में या फिर सुपीरियर वेना कावा में पहुंच जाए। अगर कैथेटर का टिप या सेंट्रल लाइन का टिप जो है, एक सिरा जो है, वो राइट एट्रियम या सुपीरियर वेना कावा में है तो इसका मतलब है कि हमने इसे प्रॉपरली लगा दिया है। आइए सेंट्रल वीनस कैथेटर या सेंट्रल लाइन के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करें जो कि आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इट्स लाइक आईवी लाइन बट लॉन्गर देन आईवी लाइन। आफ्टर इंसर्शन इट रीचेस नियर राइट एट्रियम ऑफ हार्ट और सुपीरियर वेना कावा। सेंट्रल वीनस कैथेटर या सेंट्रल लाइन एक नॉर्मल आईवी लाइन की तरह ही स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये नॉर्मल आईवी लाइन की तुलना में बहुत लंबी होती है और इस ट्यूब का जब इंसर्शन किया जाता है तो इसका एक सिरा सुपीरियर वेना कावा या राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में जाता है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल वीनस कैथेटर को आप किस जगह से बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, सेंट्रल लाइन लगाने के लिए तीन साइट्स मेनली यूज की जाती हैं, तीन वेन्स मेनली यूज की जाते हैं। सबसे पहला है इंटरनल जुगलार वेन, इंटरनल जुगलार वेन। फिर आता है फीमोरल वेन और फिर आता है सब क्लेवियन वेन। इंटरनल जुगलार वेन, फीमोरल वेन एंड सब क्लेवियन वेन, इन तीनों जगह से हम सेंट्रल लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रल लाइन आखिर लगाई क्यों जाती है, क्या उपयोग है सेंट्रल लाइन को लगाने का? फॉर लॉन्ग टर्म नीड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता है या लंबे समय तक इस पेशेंट का इलाज चलने वाला है तो हमें बार बार पेशेंट में आईवी मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए कैन्यूला लगाना पड़ेगा या फिर वेन्स को पंक्चर करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्लाइंट में सेंट्रल लाइन लगा देते हैं और ये लंबे समय तक लगी रहती है और क्लाइंट को हम इसी के थ्रू डिलीवरी ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है फॉर हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। एमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तेजी से बहुत ज़्यादा मात्रा में आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करवाना हो तो उस समय हम सेंट्रल लाइन लगा सकते हैं। थर्ड है इजियर टू ड्रॉ ब्लड सैंपल्स। हम सेंट्रल लाइन के थ्रू भी ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं। ऑप्शन फोर के पॉइंट फोर है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स को इरिटेट कर सकती हैं,
वहां पर फ्लेबाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है, तो हम कोशिश करते हैं कि लार्ज वेन्स के अंदर इन कीमोथेरेपी मेडिसिन को डिलीवर करें ताकि जो ब्लड वेसल्स की इंजरी है वो कम से कम हो, क्लाइंट को इरिटेशन कम से कम हो। उस पर्पस के लिए भी सेंट्रल लाइन काफी ज्यादा उपयोग में ली जाती है। तो इन चार मेन पर्पस के साथ में हम क्लाइंट में सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इसेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉर्मली कैसी और कितनी होनी चाहिए, इस बारे में नर्स को जानना जरूरी है, क्यों? ऑप्शन ए, इट इज द बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। हमें अगर नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का पता होगा तो इससे हम बीमार बच्चे को समझ पाएंगे, बच्चा बीमार है इस बात को आसानी से पता कर पाएंगे। ऑप्शन बी, मोस्ट नर्सेज हैव चिल्ड्रन, ज्यादातर नर्सेज के बच्चे होते हैं इसलिए ये पता होना चाहिए। ऑप्शन सी, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट गेट सिक, ज्यादातर बच्चे बीमार नहीं पड़ते इसलिए ये पता होना चाहिए। ऑप्शन डी, इट हेल्प्स द नर्सेज टू बी गुड फादर और मदर, इससे बच्चों नर्सेस को अच्छे पिता और माता बनने में हेल्प मिलेगी। नॉर्मल चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इस चीज का नॉलेज नर्सेस को होना इसलिए जरूरी है ताकि वो बीमार बच्चों के बारे में आसानी से समझ सकें। जब बच्चा नॉर्मली कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे ग्रोथ उसमें डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए, ये आपको पता है तो आप इस बात को आसानी से पता कर पाएंगे कि बीमार बच्चा कैसा है, या ये बच्चा इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा तो ये बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑन अ नियोनेट, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ हाइपोथर्मिया। किसी बच्चे में हाइपोथर्मिया तो डेवलप नहीं हो रहा, इस चीज का पता इनमें से किस फाइंडिंग के बिहाफ पर लग सकता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया या स्वेटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी नियोनेट में हर्ट रेट नॉर्मल से कम है तो ये बच्चे में हाइपोथर्मिया डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है। हाइपोथर्मिया होने पर बच्चे की जो हर्ट रेट है वो नॉर्मल से कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। हेपेटाइटिस ए डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 2 दिन से 2 सप्ताह, 6 दिन से 6 सप्ताह, 6 सप्ताह से 6 महीने, 2 सप्ताह से 2 मंथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 डेज टू 6 वीक, यानी 6 दिनों से लेकर 1.5 महीने के बीच में हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होने के बाद इसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। हेपेटाइटिस ए डिजीज जो है वो फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है और ये एक वायरल डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा कॉज होता है। हेपेटाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इन्फेंट हैज जस्ट रिटर्न आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप ऑन लेफ्ट साइड, द नर्स प्लेस द इन्फेंट इन विच बेस्ट पोजिशन एट दिस टाइम। किसी बच्चे में, किसी इन्फेंट में क्लेफ्ट लिप कंडीशन थी लेफ्ट साइड के अंदर, इसे सर्जरी द्वारा रिपेयर किया गया। अब इस सर्जरी के बाद, इस ऑपरेशन के बाद बच्चे को कौन सी पोजिशन में रखना सबसे सही माना जाएगा? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन या फिर ऑन द बैक साइड? यहां पर गौर करिएगा,
लेफ्ट साइड में क्लेफ्ट लिप था। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। बच्चे को हम दाई करवट पर लिटाएंगे, यानी कि राइट लेटरल पोजीशन देंगे। बच्चे को अगर आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी तो बच्चा अपनी नेक की मूवमेंट करवा कर जो लेफ्ट साइड में क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ है उसे आ, आ, डैमेज कर सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट साइड का लिप रिपेयर हुआ है तो उसे राइट लेटरल पोजीशन देंगे, और अगर राइट साइड का लिप रिपेयर होता तो हम उसे लेफ्ट साइड पोजीशन देते, ताकि जो सर्जिकल एरिया है वो ऊपर की तरफ रहे, बच्चा चाहकर भी उस एरिया के अंदर किसी प्रकार का डैमेज नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ इज। जन्म के पहले दिन ही अगर बच्चे में जॉन्डिस जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कॉज कौन सा होता है? सिंपली कहें तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन सी नियोनेटल हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी बिलियरी अट्रेसिया। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। किसी भी बच्चे में जन्म के तुरंत बाद आरबीसी सेल्स बहुत तेजी से टूट रही हैं, तो इसका मतलब है कि मदर और बेबी के ब्लड ग्रुप के अंदर मैच नहीं है, और आरबीसी के तेजी से टूटने के कारण बिलिरुबिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है और जन्म के तुरंत बाद जॉन्डिस जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है। तो हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी के कारण नियोनेटल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का होना मोस्टली देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ चार्टिंग ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट्स विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। आफ्टर टॉकिंग टू द नर्स द चार्ज नर्स शुड। आप किसी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में चार्ज नर्स हैं और आपके अंडर में काम करने वाली किसी नर्स ने बिना ब्लड ग्लूकोज लेवल पता किए ही फॉल्टी चार्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कर दी है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स इंचार्ज आप क्या करेंगे? कॉल द बोर्ड ऑफ नर्सिंग, फाइल अ फॉर्मल रिप्रीमेंड, टर्मिनेट द नर्स, चार्ज द नर्स विद अ टॉर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सबसे पहले ऐसा करते हुए पाए जाने पर नर्स से हम बुलाकर क्लैरिफिकेशन लेंगे, उससे बात करेंगे, और भविष्य में वो ऐसी चीज दोबारा ना करे इसके लिए उसे फॉर्मल रिप्रीमेंड करेंगे, यानी एक फॉर्मल डांट लगाएंगे, उसे थोड़ा सा डांटेंगे। कॉल बोर्ड ऑफ नर्सिंग ये इनिशियल स्टेट में नहीं किया जाता। हाँ, अगर किसी क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इस नर्स की गलती के कारण तो हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, या एक बार समझाने के बाद भी अगर वो ऐसी गलती दोहराता है तो हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। किसी भी नर्स के ऊपर टोर्ट का चार्ज तब लगाया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी क्लाइंट या उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ हो। तो यहाँ पर फाइल अ फॉर्मल रिप्रीमेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चिल्ड्रन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। किसी बच्चे में टेम्परेचर मेजर करने के लिए सबसे सही रूट कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट कौन सा है? एल्बो, रेक्टल, एक्सिलरी, ओरल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चिल्ड्रन में बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट की बात की जाए तो एक्सिलरी रूट को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन अ टॉडलर। किसी एक साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे में फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है? ऑप्शन ए लीस्ट टू मोस्ट इंट्रोसिव, डिस्टली टू प्रॉक्सिमली, फ्रॉम हेड टू टो, या फिर इनमें से कोई नहीं। टॉडलर है पर्सन, बच्चा 1 से 3 साल उसकी उम्र है और इसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी होगी? यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। 1 से 3 साल तक का बच्चा है वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान पूरी तरह से कॉपरेट नहीं करेगा, तो जब भी इस तरह इस उम्र के बच्चों में आप फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू करें तो सबसे पहले आप उन फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करें जो लीस्ट इंट्रूसिव हो, यानी इस असेसमेंट के दौरान बच्चे को कम से कम डिस्कम्फर्ट हो, और फिर धीरे धीरे मोस्ट इंट्रेंसिव एग्जामिनेशन परफॉर्म करें, यानी जिसे परफॉर्म करते समय बच्चे को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो। अगर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की शुरुआत में ही ऐसा कोई एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जिससे बच्चे के अंदर ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ तो बच्चा क्राई करने लगेगा, रोने लगेगा, हो सकता है वो आपको बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने ही ना दे। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि बच्चे को जिस फिजिकल एग्जामिनेशन करने से कम तकलीफ हो, कम डिस्कम्फर्ट हो, उसे सबसे पहले परफॉर्म करें, और जिस एग्जामिनेशन को करने से ज़्यादा तकलीफ या डिस्कम्फर्ट हो उसे सबसे आखिरी में परफॉर्म करें, ताकि आराम से आप अपना पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कंफर्म कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। इनमें से किस स्ट्रक्चर द्वारा HCG हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा, या फिर ग्राफिन पॉलिकल्स। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लेसेंटा की जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं उसके द्वारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये। ऑप्शन बी द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस हैं। ऑप्शन सी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को हम प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन के रूप में भी जानते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 6 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर ये कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होने लगते हैं, लेकिन उस समय ये इतने हल्के होते हैं कि वुमेन इसे फील ही नहीं कर पाती। वुमेन जब थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, यानी कि अराउंड 16 वीक के गेस्टेशन पर होती है, तब उसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लगते हैं, क्योंकि उस समय इन कॉन्ट्रैक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर इररेगुलर, लेस इंटेंस, इनफ्रीक्वेंट देन ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर नहीं होते, ना ही ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनके द्वारा लेबर पूरा करवा दिया जाए, बच्चे की डिलीवरी करवा दी जाए, इसीलिए हम इसे फॉल्स लेबर पेन या प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट आफ्टर प्लास्टर कास्ट अप्लाई ऑन फ्रैक्चर्ड आर्म एक्सेप्ट। इस वर्ड को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, इसके आते ही क्वेश्चन का मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाता है।
और जल्दबाजी में आप इसे पढ़ना भूल भी जाते हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किसी पर्सन में आपने प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया, अब प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने के बाद कौन सी चीज का असेसमेंट करना सबसे कम जरूरी है? ऑप्शंस आर रेडियन एंड अल्नर पल्स, स्किन इंटीग्रिटी, कैपिलरी रिफिल या फिर फिंगर मूवमेंट। किस चीज का असेसमेंट सबसे कम जरूरी है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। प्लास्टर अप्लाई करने के बाद स्किन इंटीग्रिटी का असेसमेंट हमें कम करना जरूरी रहेगा, यानी स्किन इंटीग्रिटी कैसी है इस चीज का इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने के बाद रेडियल और पल्स अल्नर पल्स चल रही है या नहीं, कैपिलरी रिफिल नॉर्मल है या नहीं, पर्सन प्लास्टर कास्ट वाले एरिया में फिंगर्स की मूवमेंट करवा पा रहा है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर इन तीनों फाइंडिंग्स के असेसमेंट में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी होती है या फिर पल्स का असेसमेंट नहीं हो पा रहा होता है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्लास्टर कास्ट बहुत ही ज्यादा टाइटली कास्ट किया गया है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद हो सकता है इसे हमें रिमूव भी करना पड़े। तो प्लास्टर बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है जिससे कि पर्सन के अंदर न्यूरोवैस्कुलर सर्कुलेशन प्रभावित तो नहीं हो रहा, इस चीज का असेसमेंट सबसे जरूरी है। और इसके अंदर हम पल्स का असेसमेंट, कैपिलरी रिफिल और फिंगर मूवमेंट को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इसेंशियल सिम्टम्स फॉर क्वाशियोर्कर। किसी बच्चे को क्वाशियोर्कर डिजीज होने पर उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? रिटार्डेड ग्रोथ, एडिमा, मेंटल चेंज या ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी बच्चे के अंदर यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में उसे प्रोटीन नहीं मिलता डाइट के अंदर, तो इससे क्वाशियोर्कर डिजीज हो जाता है। और क्वाशियोर्कर डिजीज होने पर बच्चे के अंदर जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, यानी बच्चे के शरीर का जो आकार है और वजन है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाता। बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण एडिमा देखने को मिलती है और बच्चे में मेंटल चेंजेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज। बोन फ्रैक्चर होने पर सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा डेवलप हो सकता है? सेप्टिसीमिया, हाइपरटेंशन, फैट एम्बोलिज्म या फिर हैमरेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फैट एम्बोलिज्म। हाइपरटेंशन और हैमरेज ये बोन फ्रैक्चर के मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड नहीं किए जाते, जबकि सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड के अंदर किसी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसे सेप्टिसीमिया कहते हैं और ये भी बोन फ्रैक्चर का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं माना जाता। आइए बात करते हैं फैट एम्बोलिज्म होता क्या है। इस डायग्राम में देखिएगा, ये एक किसी क्लाइंट की बोन है जो कि एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर हो चुकी है। अब इस लॉन्ग बोन के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो इस बोन के टूटने के कारण बोन से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि फैट जो है जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल्स ब्लड के साथ लगातार फ्लो करते रहते हैं और आगे जाकर किसी माइन्यूट ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि आगे उस वाइटल पार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कॉज कर सकती है। इसी वजह से हम फैट एम्बोलिज्म को फ्रैक्चर का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन मानते हैं। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। क्लाइंट विथ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर आर द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग फैट एम्बोलिज्म। जिन पेशेंट्स के अंदर
मुख्य रूप से लॉन्ग बोन यानी फीमर आदि का फ्रैक्चर होता है, उनमें फैट एम्बोलिज्म डेवलप होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फैट एम्बोलिज्म कैन अकर विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर फ्रैक्चर एंड आफ्टर 24 आवर्स देयर इज मेयर रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म। किसी भी क्लाइंट में फ्रैक्चर होने के बाद पहले 24 घंटों में फैट एम्बोलिज्म कंडीशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही 24 घंटे पास हो जाते हैं तो क्लाइंट के अंदर अब एयर एम्बोलिज्म के डेवलप होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फैट एम्बोलिज्म कंडीशन होने पर क्या साइन एंड सिम्टम्स क्लाइंट में देखने को मिलेंगे, आइए इसकी बात कर लेते हैं। सिम्टम्स सेम्स एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन होने पर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेम वही चीज यहाँ भी देखने को मिलेगी। क्लाइंट को रेस्टलेसनेस फील होगा, हाइपोक्सिया होगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस देखने को मिलेंगे, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया, टैकीपनिया, पेटाकी रैशेस ओवर द अपर चेस्ट एंड नेक एरिया, ये सभी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि यहाँ देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट शी हैज हैड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद समवन होम शी सस्पेक्ट हैज जेनाइटल हर्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द क्लाइंट इन रिस्पॉन्स टू दिस इंफॉर्मेशन। आपके पास क्लिनिक में एक क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया है जिसे जेनाइटल हर्पिस डिजीज हो सकता है। इस सिचुएशन में आप इस क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऑप्शन वन, एंटीसिपेट लीजन विद इन 25 to 30 days। अगर आपको जेनाइटल हर्पिस जैसी कंडीशन होगी तो आपके जेनाइटल एरियाज में अगले 25 से 30 दिनों में एक लीजन बन जाएगा, एक घाव बन जाएगा। ऑप्शन टू, कंटिन्यू सेक्सुअल एक्टिविटी अनलेस लीजन्स आर प्रेजेंट, जब तक आपकी जेनाइटल एरिया में किसी प्रकार का लीजन ना बन जाए आप सेक्सुअल एक्टिविटी को कर सकते हैं। ऑप्शन थ्री, रिपोर्ट एनी डिफिकल्ट यूरिनेटिंग, अगर आपको यूरिन पास करने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी फील होती है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। यहाँ पर जो जेनाइटल हर्पिस कंडीशन बताई गई है ये एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इस कंडीशन के होने पर क्लाइंट में जेनाइटल एरियाज के अंदर पेन होता है और सोर्स डेवलप हो जाते हैं। जेनाइटल हर्पिस के कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इसका कॉज होता है, और इस डिजीज कंडीशन में मैन और वुमेन दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं। राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री को सही माना जाएगा। अगर क्लाइंट को इस एक्ट के बाद किसी भी प्रकार की यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है तो ये इस इन्फेक्शन का इनिशियल साइन या सिम्टम हो सकता है, इसे हमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन टू के अंदर कहा गया है कि जब जब तक लीजन्स ना आ जाएं तब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि ये गलत स्टेटमेंट है। अगर क्लाइंट असिम्टोमेटिक है तब भी ये इस डिजीज को दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, और इस चीज से प्रिवेंशन के लिए सेक्सुअल एक्ट के दौरान उसे बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं करें। जेनाइटल हर्पिस के जो लीजन्स होते हैं वो अराउंड 2 से 12 दिनों के टाइम ड्यूरेशन के बीच ही देखने को मिलते हैं। जेनाइटल हर्पिस के जो लीजन्स होते हैं वो 10 से 12 दिनों में ही अपीयर हो जाते हैं, तो ऑप्शन वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार कंगारू मदर केयर देने के लिए शॉर्ट यानी कम से कम और एक्सटेंडेड यानी ज्यादा से ज्यादा कितना ड्यूरेशन हो सकता है?
2 घंटे, 5 से 8 घंटे, 3 घंटे, 10 से 12 घंटे, 4 घंटे, 5 से 8 घंटे, 5 घंटे, 10 से 12 घंटे। इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार कंगारू मदर केयर देने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना समय बताया गया है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। केएमसी के लिए मिनिमम 3 आवर्स और मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स डिसाइड किया गया है। मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीडियन एज फॉर वॉकिंग इन अ चाइल्ड? किसी बच्चे में वॉकिंग की मीडियन एज कितनी मानी जाती है? 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 12 महीने। द राइट आंसर इज 12 मंथ्स। बच्चों में वॉकिंग की मीडियन एज 12 महीने को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर टीचिंग अ प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट एट 10 वीक्स गेस्टेशन अबाउट द रिकमेंडेशंस फॉर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट सक्सेसफुल टीचिंग? किसी 10 सप्ताह की प्रीमी ग्रेविडा मदर को टीचिंग देते समय उसके द्वारा दिया गया कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को सारी बातें जो हमने समझाई थी वो समझ आ चुकी हैं। ऑप्शन 1, व्हाइल प्रेग्नेंट आई शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, प्रेगनेंसी के दौरान मैं सभी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करूंगी। ऑप्शन 2, इवन थ्रू आई एम प्रेग्नेंट आई कैन लर्न टू स्की नेक्स्ट मंथ, प्रेगनेंसी के दौरान मैं अगले महीने से स्की सीखने जाऊंगी। ऑप्शन 3, While we are on vacation next month, I can continue to scuba diving. मैं अगले महीने से स्कूबा डाइविंग कंटिन्यू करूंगी। ऑप्शन 4, Sitting in hot tub after exercise will help me to relax. एक्सरसाइज करने के बाद गर्म टब बाथ में गर्म वाटर टब में बैठने से मुझे रिलैक्स मिलेगा। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली आपको हॉट टब बाथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्लाइंट बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है और ये बच्चे की सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजर हो सकता है। स्कूबा डाइविंग का मतलब होता है समुद्र जैसे गहरे पानी के अंदर गहराई में जाना। जब हम ऐसे स्कूबा डाइविंग जैसे गेम्स खेलते हैं तो इससे प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में इंट्रा यूट्राइन प्रेशर बढ़ जाता है और इससे बच्चे को डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें ये गेम भी अवॉइड करना है। स्कीइंग का मतलब होता है बर्फ के ऊपर स्की पहनकर चलना, और इस गेम में भी क्लाइंट में इंजरी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है तो उसे ये गेम भी नहीं खेलना है। ऑप्शन 1 सही आंसर है। जितने भी कांटेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें पर्सन अपने साथी खिलाड़ी को टच कर सकता है, इंजरी कर सकता है, उन सभी को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को इंजरी हो सकती है। कांटेक्ट स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो रग्बी, रेसलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सभी कांटेक्ट स्पोर्ट्स हैं और इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ में आएंगे और सिस्टम अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू बॉर्न विथ माइलो मैनिंगो सील, वॉट शुड इमीडिएट नर्सिंग केयर फॉर दिस इन्फेंट इंक्लूड? किसी इन्फेंट को माइलो मैनिंगो सील कंडीशन है, इस सिचुएशन में इमीडिएट नर्सिंग केयर क्या दी जा सकती है? ऑप्शन 1, प्लेसिंग द इन्फेंट इन रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन,
हम इस बच्चे को रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में प्लेस करेंगे। ऑप्शन टू, अप्लाइंग स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग टू सैक। हम इस बच्चे में जो सैक निकला हुआ है उस पर स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग को अप्लाई कर देंगे। ऑप्शन थ्री, पोजिशनिंग द इन्फेंट प्रॉन विद द लेग स्लाइटली एबडक्टेड। हम इस बच्चे को प्रॉन पोजिशन दिलवाकर इसके पैरों को एबडक्टेड कर देंगे। ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले बात करते हैं कि माइलो मैनिंगो सील कंडीशन होती क्या है। माइलो मैनिंगो सील, इसके अंदर तीन वर्ड्स हैं। माइलो शब्द का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, और मैनिंगो शब्द का मतलब होता है मैनिंजियल लेयर्स यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर्स जिसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाइर मैटर आती हैं। और सील शब्द का मतलब होता है फ्लूइड से भरी हुई थैलीनुमा संरचना यानी कि फ्लूइड फिल्ड सैक। तो अब इस चीज को जब आप जोड़कर इसका मीनिंग बनाएंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ऐसी थैलीनुमा संरचना बन जाती है जिसके अंदर मेनिंजियल लेयर्स भी मौजूद होती हैं और इसके अंदर फ्लूइड भी भरा होता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी बच्चे को प्रेगनेंसी पीरियड में फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो उससे उसकी न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं और न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट के कारण, इसके प्रॉपर क्लोजिंग ना हो पाने के कारण, इस स्पाइनल कॉर्ड के एक हिस्से से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल आती है। बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर एक गुब्बारे नुमा संरचना मौजूद होती है जिसके अंदर मेनिंजियल लेयर और फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये कंडीशन माइलो मैनिंगो सील के नाम से जानी जाती है। होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे, माइलो मैनिंगो सील। अब बताएं इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर अब बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सीलेंट गाइस, ऑप्शन टू इज करेक्ट। हम इस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर निकली हुई है, गुब्बारे नुमा संरचना जो निकली हुई है, इसे स्टेराइल यानी बिल्कुल साफ सुथरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री और मॉइस्ट यानी भीगा हुआ नॉन एडरेंट यानी बिना चिपकने वाली ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। हम इस बच्चे के माइलो मैनिंगो सील स्ट्रक्चर के ऊपर एकदम स्टेराइल, हल्का गीला और बिना चिपकने वाला ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे ताकि इसमें फर्दर इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए। अप्लाइंग स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग टू द सैक इज द इमीडिएट नर्सिंग केयर दैट वी अप्लाई टू अ इन्फेंट विथ मैनिंगो माइलो सील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज प्रिवेंटिंग विच टाइप ऑफ हीट लॉस बाय रैपिंग द नियोनेट इन ब्लैंकेट। जन्म के तुरंत बाद हम बच्चे को ब्लैंकेट्स के अंदर लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं। ऐसा करके हम बच्चे में किस मेथड से हो रही हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं? कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवोपरेशन, कंडक्शन। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को किसी मजबूत ब्लैंकेट में, मोटे कपड़े में लपेट दिया जाता है तो इसके पीछे क्या रीजन है, किस प्रकार से होने वाली हीट लॉस को आप ऐसा करके रोक रहे हैं? यस, इट इज कन्वेक्शन मेथड। जैसे कि मान लीजिए ये कोई न्यूबॉर्न बेबी है और इस न्यूबॉर्न बेबी को अगर आपने जन्म के तुरंत बाद किसी चीज से कवर नहीं किया तो रूम के अंदर जो फैन चल रहा है तो इस फैन की जो एयर है ये बच्चे के शरीर से टच होकर गुजरेगी। जब ये हवा बच्चे के शरीर को छूकर निकलेगी तो ये हवा बच्चे के शरीर की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब आपने इस बच्चे के हेड वाले पार्ट को थोड़ा कवर कर दिया, नोज को, माउथ को ओपन रखा और रिमेनिंग बॉडी पार्ट को भी ब्लैंकेट से आपने जब कवर कर दिया तो ये जो एयर इस रूम में मौजूद है वो बच्चे के बॉडी को डायरेक्टली टच नहीं कर पाएगी और टच नहीं कर पाने के कारण कन्वेक्शन मेथड से हो रहा हीट लॉस रुक जाएगा। तो याद रखिएगा, बच्चे को जन्म के बाद हम ब्लैंकेट में लपेट देते हैं ताकि जो एयर करेंट्स हैं, हवा है रूम की, वो बच्चे के शरीर को डायरेक्ट छूकर ना पास हो। तो ऐसा करने से हम बच्चे में कन्वेक्शन मेथड द्वारा
जो हीट लॉस हो रहा है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। होपफुली अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द एज ऑफ 2 ईयर्स चाइल्ड शुड बी एबल टू, एक 2 साल का बच्चा इनमें से कौन सा काम कर सकता है? ऑप्शन ए यूज टू ईट फ्रूट्स, वो अपने हाथों से फल खा सकता है। ऑप्शन बी ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द कप, कप में दिया हुआ मिल्क अपने आप पी सकता है। ऑप्शन सी पोर्स ओन वाटर इन अ ग्लास, पानी को ग्लास के अंदर भर सकता है। ऑप्शन डी कट्स फूड यूजिंग नाइफ, चाकू की मदद से खाने को काट सकता है। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक 2 साल का बच्चा कप में रखा हुआ फूड सब्सटेंस या वाटर या मिल्क कुछ भी खुद से पी सकता है। कप से खुद मिल्क को पीना 2 साल के बच्चे के लिए संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? जॉन्डिस, स्क्रैवी, कैंसर, अस्थमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्क्रैवी। आइए स्क्रैवी डिजीज के बारे में कुछ और पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रैवी डिजीज को हम स्क्रोब्यूटस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। स्क्रैवी डिजीज जो है विटामिन सी की कमी से होते वाली डिजीज कंडीशन है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी मोस्टली जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। स्क्रैवी डिजीज होने पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ब्रूइजिंग, ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, फैटीग, रैशेस, ये सभी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें विटामिन सी सप्लीमेंट्स देते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है ताकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिले, जिससे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाए और ये डिजीज कंडीशन ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स कैप्टोप्रिल 25 mg पर ओरल TID फॉर द क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन कैन अकर विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपोटेन। किसी क्लाइंट को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट हेतु कैप्टोप्रिल मेडिसिन दी जा रही है, इस मेडिसिन के कारण क्लाइंट में कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? टिनिटस, परसिस्टेंट कफ, मसल वीकनेस या फिर डायरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर जो कैप्टोपिल मेडिसिन है ये बेसिकली एक ACE इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है जो कि हाइपरटेंशन को मैनेज करने में इस्तेमाल की जाती है और इस मेडिसिन के कंटिन्यू यूज के कारण क्लाइंट के अंदर परसिस्टेंट कफ जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, द नियोनेट इज वल्नरेबल टू हाइपोथर्मिया ड्यू टू। नियोनेट यानी कि 28 दिन तक का बच्चा, जन्म से लेकर 28 दिन तक की जो एज होती है बच्चों की, उसे हम नियोनेट कहते हैं। 28 दिन तक के बच्चों में हाइपोथर्मिया डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ द लीवर, ऑप्शन बी इमेच्योरिटी ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी लो सर्कुलेटरी स्टेटस, ऑप्शन डी इमेच्योरिटी ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। नियोनेट्स में हाइपोथर्मिया डेवलप होने का मेन कारण क्या होता है? यस ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेट किया जाता है और नियोनेट्स के अंदर हाइपोथैलेमस अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता,
इस वजह से बच्चों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, नॉर्मल से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड बाय 1 to 3 minutes इन नियोनेट बिकॉज, किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के तुरंत बाद कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं की जाती, इसे 1 से 3 मिनट डिले किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? ऑप्शन ए, प्रिवेंट एनीमिया इन वुमेन, इससे वुमेन में एनीमिया नहीं डेवलप होता। ऑप्शन बी, प्लेसेंटा सेपरेट इजीली, इससे प्लेसेंटा आसानी से सेपरेट हो जाता है। ऑप्शन सी, प्रिवेंट्स जॉन्डिस इन नियोनेट्स, इससे बच्चे में जॉन्डिस नहीं होता। ऑप्शन डी, नियोनेट गेट्स कॉर्ड ब्लड, बच्चे तक अम्बिलिकल कॉर्ड में मौजूद ब्लड पहुंच जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिएगा, बच्चे के शरीर में जन्म के तुरंत बाद ब्लड बहुत ही कम अमाउंट में होता है। हम जब कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले कर देते हैं तो कॉर्ड के अंदर मौजूद ब्लड कॉर्ड से निकलकर बच्चे की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम 1 से 3 मिनट तक कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में मौजूद सारा ब्लड बच्चे की बॉडी में चला जाए, जिससे बच्चे में ब्लड की कमी ना हो, इस वजह से हम कॉर्ड क्लैंपिंग को 1 से 3 मिनट डिले करते हैं। और इस प्रोसीजर में कई बार जो बच्चा है उसे मदर के यूट्रस लेवल से अम्बिलिकल प्लेसेंटा लेवल से कुछ नीचे भी रखा जाता है, ताकि सारा ब्लड बच्चे तक ड्रेन होकर पहुंच जाए। दिस इज द रीजन फॉर डिलेइंग द अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग 1 to 3 minutes जस्ट आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लैब्स लॉफलर बेसिलस इज द नेम ऑफ, इनमें से किस बैक्टीरिया को क्लैब्स लॉफलर बेसिलस या बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी या फिर मैनिंगो कोकाई? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया डिप्थीरिया डिजीज कॉज कर सकता है, और इस बैक्टीरिया को 1884 में एडविन क्लैप्स और फ्रेडरिस लॉफलर नामक पर्सन्स ने आइडेंटिफाई किया था। एडविन क्लैप्स और फ्रेडरिस लॉफलर के सरनेम्स के बिहाफ पर इस बैक्टीरिया को हम क्लैप्स लॉफलर बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2023 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।